लगभग 1.5-2 महीने बाद में अपना हेयर कट करवा रहा हूँ और बहुत ज्यादा बाल बढ़ गए हैं। हाँ बहुत ज्यादा लंबे बाल हो गए। ऐसा कर एक उस तरह ले और मेरे पास आ जा, तुझे आलोकनाथ बना देता हूँ। सो वेलकम बैक बेबीज, आज हम बात करेंगे यमुना पार वाले मेंढक के बारे में जिसका बचपन क्लिकबेट मारने में और जवानी लीगल नोटिस भेजने में निकल रही है। गाइस यहाँ पे मेरे को मिले भुवन बम। हेलो भैया, मैं और भाई अभी केएफसी खा रहे थे तो अभी इस क्लिप को कोई अंधा भी देख के समझ जाएगा कि भुवन बाम के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर यही वाली क्लिप भुवन भाई अपने चैनल पर अपलोड करते तो उनके वीडियो का टाइटल होता केएफसी के बाहर मिला जेब कतरा। जैसा बीबी मैं मिला बीबी से एंड जो फीलिंग आ रही है बहुत सही आ रही है। ठीक है, ये बंदा इतना ब्लश कर रहा है, ये बंदा इतना ब्लश कर रहा है गर्लफ्रेंड से मिलके आया हो। ये बंदा ऐसा है, मैंने बोला भैया बीबी खड़ा है। नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसको तू कॉलेज वीडियो बोलता है, साला कुछ भी बोलता है। मार तुम लोगों को पता है वाईपीएम के वीडियोस के टाइटल और पॉलिटिशियंस के वादों में एक सिमिलरिटी होती है। क्या होती है भैया जी? दोनों ही काल्पनिक चीजें हैं। नेता अपनी जनता का और यदु अपनी ऑडियंस का काटता रहता है। तो गाइस अभी मैं आया था जहनुमा पैलेस एंड लुक हु आई मेट। हेलो भैया कैसे हो? बहुत अच्छा हो भाई, लेकिन मैंने भी देखा ये इतना महंगा सेटअप कहां से आ गया तेरे पास? मेरे को 6 साल लग गए। यद्दू मेरे प्रिय मित्र, यही सारी चीजें तो तुझे रोस्टर्स बोलते हैं कि भाई तेरी हरकतें देख के लगता नहीं कि ये सारी चीजें तू खरीदता है और इस चीज पे तू उनको लीगल नोटिस भेज देता है। बट निखिल ने बोला तो वो कोलैब हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। अरे कांग्रेचुलेशन बोलो दीदी को यार। या कांग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज एक्चुअली। कांग्रेचुलेशंस। तो बहुत अच्छा इंसान लगा मिल करके, फाइनली ड्रीम कम ट्रू आफ्टर 4 इयर्स। यहाँ पे निखिल भी सोच रहा होगा किस चूतिया से पाला पड़ गया। अच्छा लगता है भाई। मैं इसको भी बोल रहा था भैया भाई इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? तुझे मिलने दिया उसने, और क्या चाहिए तुझे? और भाई साहब इसको भी ये कोलैब वीडियो बोलते हैं। ठीक है भाई, खैर अभी तो इसके क्लिकबेट वाला गेम शुरू हुआ है। दिल्ली कॉप वर्सेज लैम्बोर्गिनी, दिल्ली कॉप वर्सेज ऑडी R8, दिल्ली पुलिस वर्सेज कवाशाकी। अजीब गलचुदा प्राणी है भाई, यूट्यूब वीडियो है या फिर दिल्ली पुलिस वर्सेज मेहता परिवार ऑडियो सीरीज चल रही है। भाई बंदा जाए तो कहाँ जाए, मतलब कहाँ लेके जाऊँ मैं अपने आप को? तो अभी को जाने फिलहाल तो एनिमल केयर सेंटर। कहाँ कहाँ? तो अभी को जाने फिलहाल तो एनिमल केयर सेंटर। हाँ भाई जरूरी है तेरे को तो। तो हमने बाइक रुकी थी साइड में फोटो खींचने के लिए, उसके बाद एक पुलिसमैन आए एंड कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? भैया कह रहे थे कि बाइक ऐसे मत लगाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा समझ गया समझ गया। चलो देखो देखो गांव वालों, ये होता दिल्ली पुलिस वर्सेस वाईपीएम का चूतियापा। हाँ जी हाँ जी समझ गया सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। अरे यार कोई इस मानव रूपी टिंडे को बताओ कि समझाने का मतलब वर्सेज होता ना तो एक छोटा बड़ा मुकाबला भारत के हर कोने में चल रहा होता। इन्हीं सब हरकतों के कारण तो तेरे चैनल की हालत 4th स्टेज वाले कैसे पीड़ित जैसी हो गई है। ना उसकी एज बढ़ सकती है और ना ही तेरे सब्सक्राइबर। एंगे आज का जो व्लॉग होने वाला है इट्स अबाउट ट्रैफिक पुलिस वर्सेस ऑडी R8। तो मेरे को उन्होंने क्यों रोका, क्या रीजन था, पूरा करते हैं आज के व्लॉग को कंटिन्यू बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। हां भैया प्लीज बताओ। तो अभी हमको स्टॉप करा है फोटोग्राफ खींचने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर, चलो चलते हैं। सो ही वाज जस्ट स्टॉप बिकॉज ऑफ सर को खींची थी फोटोग्राफ कार के साथ में। ओ माय गॉड, देख रहे हो इस सरोजनी नगर की सेलिब्रिटी से दिल्ली पुलिस सेल्फी ले रही है। पर भेसड़ी वाले अभी भी हमें वर्सेज नहीं मिला, कहाँ हो रहा मुकाबला दिल्ली पुलिस से तेरा? एक और वीडियो में टाइटल डाल रखा दिल्ली पुलिस वर्सेज लैम्बोर्गिनी, जिसमें दिल्ली पुलिस बस इसको नंबर प्लेट के बारे में पूछती है लेकिन टाइटल ये गाड़ी रोक ली है ट्रैफिक पुलिस वालों ने अभी हमारी लैम्बोर्गिनी। So the thing is कि we were stopped by traffic police right now because they thought कि मेरी गाड़ी पे लगी नहीं हुई है नंबर प्लेट आगे वाले बम्पर पे जो कि लगी हुई थी। उन्होंने बोला वो बहुत छोटी है जो कि भाई अंकल देखो हमको जो मिली अथॉरिटी से मिली नहीं। हाँ वही छोटी वाले वही भी अथॉरिटी से। और दूसरी चीज ये है कि भाई देखो वो अपना काम कर रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। देख यदु आई नो तू स्कूल जाने वाली उम्र में अपने घर पे बैठ कर माँ बाप की छाती पे मूंग दल रहा था, लेकिन बेटे वर्सेज का मतलब होता ऑपोजिट, मुकाबला, खिलाफ। और इस गौरव जोन के साथी फेल वेरिएंट ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था माई न्यू गेमिंग पीसी न्यू। इस पूरे वीडियो में बस 1 मिनट के लिए पुराने पीसी को खोला, ड्राइवर अंकल से सफाई करवाई और फिर से ठूसने चला गया। वो मैंने अंकल ऑलमोस्ट 1 साल से ऑन ही नहीं करा है। अच्छा उसको एक बार ऑन कर लेते हैं। हाँ बिकॉज अंकल जी वो भी कहीं खराब ना हो जाए। पड़ा इसमें पूरा हेल्प करें। पीसी मैंने भी कर दिया है ऑन और चल गया। थंबनेल में जो न्यू लिखा था ना वो थी न्यू क्लिकबेट।
कटिंग मेरी हुई है बहुत ज्यादा बढ़िया एज द वे आई वॉन्ट, मतलब बीच के बाल जो हैं वो बड़े हैं, साइड के छोटे हैं, यहाँ पे दो कट हैं। मैंने बोला कि अब वो आई गए तो कोई बात नहीं, पार्किंग में कटवा ले, बाद में साफ कर लेंगे। तो बस करवा लिया आराम से, बट दिक्कत बहुत ज्यादा आई, जो कटने थे ना बाल मेरे 2 घंटे में, आज वो कटे हैं 2.5 घंटे में। कॉमेडी। 2.5 घंटे लगे बाल कटवाने में, क्यों भाई, बाल कटवा रहा था या एक एक करके उखड़वा रहा था? हेयर कट के बाद में फिर से भाई साहब खाना ठूसने चले जाएंगे, तुम्हें ये दिखाएंगे, ये देखो गाइस, ये देखो, मतलब इसकी क्लिप देख लो। यानी सिज़लर विद सीख कबाब, इसमें पनीर है, कॉर्न है, एंड मम्मा ने बताया था कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। भाई बहुत ज्यादा खा लिया और कॉफी भी ले ली, तो साथ में ये दही चाट और साथ में ये कचौड़ी। ये है दाल बाटी चूरमा। भाई घर पे खाना नहीं बनता क्या? What is up guys? Welcome logs back here and भाई कैसे हो आप लोग? Hope you all are good. प्रिय मित्र यदुप्रियम, अभी तो इस चलचित्र के 2 मिनट ही हुए हैं और आपने इंट्रो डाल दिया, इतनी जल्दी क्या थी? हम इंट्रो और आउट्रो साथ में देख लेते, लास्ट में ही डाल देते। वैसे यार अपना यदु कितना भी बड़ा चूतिया हो लेकिन अपनी ऑडियंस को कभी भी गलत इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब हमेशा मास्क पहनने के लिए बोलता रहता है, तो इसलिए मास्क पहन के रखो अपनी सेफ्टी के लिए भी और 2000 बचाने के लिए भी। ये पूरा रघुवीर नगर वाला यहाँ कोई मास्क ही नहीं पहनता भाई, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा? मास्क पहनो, वीडियो ऑन होती है मास्क पहन रहे, वैसे मास्क नहीं पहनते। A few moments later. ये तो वही बात हुई ना, दारू के ठेके के बाहर लिखा रहता है शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अगर तुम YPM के चैनल को ध्यान से देखोगे, पहली बात तो देखना ही मत, मैंने देख लिया तो मैं बता देता हूँ, क्लिकबेट के अलावा एक और वस्तु है जो हमेशा मिल जाती है उसके वीडियो में, वो है उसके अंकल। उल्टा है, उल्टा है। बहुत ज़रा हम, अब मेरी बात सुनो, हाँ। जो मेरा वो है ना PC वो वाला, वो मैंने अंकल ऑलमोस्ट 1 साल से ऑन ही नहीं करा है। अच्छा, उसको एक बार ऑन कर लेते। इसके लिए तो ड्राइवर अंकल एक वस्तु की तरह है, ड्राइवर अंकल को गाड़ी ड्राइव करने के अलावा सारे काम करवाता है ये। घर की साफ सफाई करनी हो, ड्राइवर अंकल। डेट चैनल को एक्टिव करना हो, ड्राइवर अंकल। चैनल पे वॉच टाइम बढ़वाना हो, ड्राइवर अंकल। इसको डाल दूंगा इसके अंदर, इसको डाल दूंगा इसके अंदर, स्पाइसी बहुत ज्यादा है। अरे अंकल नहीं निकलवाया, अरे अंकल सच में खा लो, यहाँ से खा के देखो, अरे अंकल पूरा वेज है, मैंने कुछ नहीं करवाया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जोलो चिप्स पर बड़े बड़े शब्दों में साफ वार्निंग लिखी रहती है, बच्चों और बुड्ढों से दूर रखो, लेकिन इस गंवार को ये सब चीजें थोड़ी दिखाई देगी। थोड़े से व्यूज के चक्कर में ये बुड्ढे आदमी की सेहत के साथ खेल गया। अब कोई लोग कमेंट में ये मत बोलना कि वो व्यूज के लिए नहीं करता, उसको पैसों की जरूरत नहीं, वो बहुत ज्यादा अमीर है, वो साल में 10 बार दुबई की ट्रिप करता है। तो सुनो, उसकी सारी की सारी दुबई ट्रिप होती है स्पॉन्सर्ड। और जो दुबई के मैं ट्रिप्स जाता हूँ उनमें से बहुत सारे लाइक जो ट्रिप्स हैं आई नो वो होते हैं कोई कोई स्पॉन्सर, जो शॉप्स होती हैं वो मेरी होती हैं स्पॉन्सरशिप। दुबई में जो दुकान वाले वो सोचते हैं कि कोई अगर इंडियन कस्टमर आएगा तो इसके वीडियो देख कर हमारे वहाँ पे तो शॉप कर लेगा, लेकिन उनको पता होना चाहिए इस चूतिए के वीडियो लोग बस गालियां देने के लिए देखते हैं, चीजें खरीदने के लिए नहीं। तो यार वीडियो के एंड में यही बोलूंगा कि ऐसी फेक लाइफ स्टाइल से तुम दूर रहो, क्योंकि ये कोई ड्रीम लाइफ नहीं होती, ये क्लिकबेट और मिसलीडिंग टाइटल डाल के ऑडियंस को कलेक्ट करते हैं और फिर उसी ऑडियंस को लाइफ टाइम तक मैनिपुलेट करके अपना घर चलाते रहते हैं। और घर चलाने से याद आया, मुझे भी अपना घर चलाना है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और अगर पहली बार आए तो कर ही देना, एंड अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैंने बोला था 100 के पूरे हो जाएंगे तो वो डांस वाला वीडियो डालूंगा मेरा यासु यासु पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, आ जाओ। All hot girls in my car, up above in the world so high. Munda mein shakin, aaja kar let's ride.